हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे रिंग विद जीरो डिवाइजर्स एंड रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स। टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए लेक्चर को एंड तक जरूर देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। आगे का लेक्चर शुरू करते हैं, देखते रहिए एंड तक। सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये जीरो डिवाइजर्स का मतलब क्या होता है, विदाउट जीरो डिवाइजर्स का मतलब क्या होता है। अगर हमें ये समझ में आ जाए तो फिर इनकी डेफिनेशन को याद रखना हमारे लिए आसान हो जाता है। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल के बेस पर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा 3 × 4 = 12, तो इसका मतलब ये होता है कि 3 इज डिवाइजर ऑफ 12। आप इस सेंटेंस को ये भी लिख सकते हो, 3 इज 12 डिवाइजर। आप ये भी लिख सकते हो, 4 इज डिवाइजर ऑफ 12। और इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, 4 इज 12 डिवाइजर। मेरी बात समझ पाई? देखिए, यहां पर हमने 12 पहले लिया, 12 डिवाइजर, राइट। यहां पर डिवाइजर ऑफ 12 का एक ही मीन्स इनके निकलते हैं जो हम हिंदी में देखते हैं, राइट। अब यहां पर है जीरो डिवाइजर्स, मतलब ये जीरो, इसको हम ये कह सकते हैं डिवाइजर ऑफ जीरो, अर्थात जो जीरो को डिवाइड करे। क्लियर? अब इन पॉइंटों को समझना है, पहले आप ये पॉइंट समझ गए इसका मतलब और इसका मतलब। जीरो डिवाइजर कह लीजिए या जीरो डिवाइजर को आप क्या कह सकते हो, डिवाइजर ऑफ जीरो। ओके, अब हम यहां पर लेते हैं ए मल्टीपल बी इक्वल टू एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज एक्स डिवाइजर, बी इज एक्स डिवाइजर। अगर मैं एक्स के स्थान पर जीरो ले दूं, ए इंटू बी इक्वल टू जीरो, तो आप कहोगे ए इज जीरो डिवाइजर, बी इज जीरो डिवाइजर। क्लियर? पॉइंट क्लियर हुआ? ओके। अगर मैं आपको ये कहता हूं कि जैसे मैंने एक्स के स्थान पर जीरो लिया, अगर मैं ए के स्थान पर जीरो लिखूं, जीरो इज जीरो डिवाइजर, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? मींस जीरो इंटू बी इक्वल टू जीरो, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं? नहीं। रीजन, क्योंकि हम जानते हैं जीरो अपॉन जीरो ये क्या होता है, मीनिंगलेस होता है। क्लियर? इसका कोई मीन्स नहीं होता। पॉइंट क्लियर हुआ? पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? राइट ओके। हम इसके बेस पर यह भी नहीं कह सकते कि बी इज जीरो डिवाइजर, बिकॉज हम ये जानते हैं कि जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीपल करो वो सदैव जीरो ही आएगा। क्लियर? मींस अगर जीरो से हम किसी नंबर को मल्टीपल करके जीरो लिख रहे हैं तो जीरो हमारा जीरो डिवाइजर नहीं होता, बी हमारा जीरो डिवाइजर नहीं होता, ऐसा हम नहीं कहते। अर्थात हम ये कहेंगे कि ये हमारे डिवाइजर नहीं है, विदाउट जीरो डिवाइजर। अब हम बात करते हैं रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। ओके, देखो बेटा, हम यहां पर एग्जांपल लेते हैं, एक लेता हूं मैं आर वन, ये सेट लेता हूं 0, 1, 2, 3, 4, 5 अंडर एडिशन मोडुलो 6, अंडर मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 6। ये जो मैंने लिखा है मोडुलो, ये मैंने आपको ग्रुप थ्योरी में सिखाया हुआ है, मोडुलो अंडर मल्टीप्लीकेशन, मोडुलो अंडर एडिशन। तो यहां पर ये जो आर लिया है ये एक रिंग है, क्या है, रिंग है। लेकिन इस रिंग को हम जीरो डिवाइजर वाला रिंग कहेंगे या विदाउट जीरो डिवाइजर वाला रिंग कहेंगे, ये हमें चेक करना है। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे ये समझो। देखिएगा, यहां पर आप ये एलिमेंट देखते हैं, इन एलिमेंटों के बिटवीन हमें टू एलिमेंट ऐसे लेने हैं। जैसे ए मैंने लिया 2,
और बी मैंने लिया 3। अगर 2 और 3 के बिटवीन में मल्टीपल अंडर मोडुलो 6 लेता हो 3, तो ये हमें मिलता है आंसर 0। कैसे, इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब होता है जैसे मैं ए मल्टीपल 6 बी इज इक्वल टू सी लिखता हूं, तो इसका मीन्स क्या होता है, इसको समझ लीजिए। सी इज रिमाइंडर होता है व्हेन 6 डिवाइड्स ए इंटू बी, 6 डिवाइड्स ए इंटू बी। अब देखो 6, 2 इंटू 3 कितना बना 6, और 6 से डिवाइड करो, 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना 0, तो वो हमने यहां पर लिखा। ओके, अब यहां पर हमें जो समझना है वो ये, इस रिंग के अनुसार हमने देखा कि ए एंड बी ये दोनों ही नॉन जीरो है, और इनको यूज करने पर हमको जो रिमाइंडर मिला वो 0 मिला, राइट। तो इसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि 2 इज डिवाइजर ऑफ 0, ऐसे लिख देता हूं, 3 इज डिवाइजर ऑफ 0, राइट। इसका मतलब है कि इस रिंग के अंदर ऐसे पेयर लिए जा सकते हैं जो कि नॉन जीरो एलिमेंटों के थ्रू बने हैं, और उनका प्रोडक्ट करने के बाद अंडर मोडुलो 6 0 फाइंड आउट होता है। कैसे, जैसे हम दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं, यहां पर मैं बताता हूं, जैसे 3 इंटू मोडुलो 6 4, तो दोनों का मल्टीपल कितना 12, और रिमाइंडर कितना आएगा 12 को डिवाइड करने पर 6 से 0, तो यहां पर ये क्या है, 3 एंड 4 आर 0 डिवाइजर। ओके, पॉइंट क्लियर हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिंग आर वन है ये रिंग विद 0 डिवाइजर्स है, क्योंकि इस रिंग के अंदर 0 डिवाइजर्स मिले हमको, राइट। समझ में, ये क्या है, 0 डिवाइजर्स है, तो हम इसको कहेंगे कि ये ऐसा रिंग है जो कि विद 0 डिवाइजर है, मतलब 0 के डिवाइजरों को रखता है। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? ओके, अब एग्जाम्पल नंबर सेकंड समझो, जो मैं नेक्स्ट पेज पर बता रहा हूं। यहां पर मैं आर टू लिख लेता हूं, ये लिया मैंने 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो, ये भी हमारा रिंग है, रिंग की सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। ओके, अब रिंग है तो ये अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन रिंग होता है, राइट, क्योंकि वो रिंग में हम एलवेज 2 ऑपरेशन यूज करते हैं। हमने ए को लिया 1, बी को लिया 2, तो क्या 1 इंटू 2 कभी 0 हो सकता है? संभव ही नहीं है, है तो नहीं। लेकिन अगर मैं 0 इंटू 2 लू, मतलब ए को मैंने 0 रख लिया और बी को मैंने 2 मान लिया, तो ये हमें सदैव क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। या आप ऐसा ले लीजिए कि 1 इंटू 0 तो क्या मिलेगा, 0। मीन्स 0 के साथ अगर हम एलिमेंट प्रोडक्ट करते, जैसे 0 इंटू एक्स लिया, तो ये हमें सदैव क्या देगा, 0 देगा। ओके, मीन्स ये हुआ कि हम इसके थ्रू या इसके थ्रू या इसके थ्रू क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि 1 इज नॉट 0 डिवाइजर। ओके, या 0 इज नॉट 0 डिवाइजर, क्योंकि हमें मालूम है कि 0 का मल्टीपल किसी भी इंटीजर के साथ किया जाए तो वो सदैव 0 ही देगा, इसीलिए हम क्या कहेंगे कि 0 का कोई भी इसके अंदर डिवाइजर नहीं है। क्लियर, मेरी बात समझ में आई? तो हम इस रिंग को क्या कहते हैं, ये रिंग कहलाता है रिंग विदाउट 0 डिवाइजर। क्यों विदाउट 0 डिवाइजर क्यों कहा, क्योंकि 0 के मल्टीपल के बगैर हमें 0 नहीं मिलता, इसी वजह से हमने इसको कहा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर a इंटू बी इक्वल टू, हम 0 लिख रहे हैं r2 में से 2 एलिमेंट लेकर, तो ये
सदैव या तो ए जीरो होगा और या बी जीरो होगा। तो दैट मीन्स हम इसको क्या कहेंगे, विद आउट जीरो डिवाइजर रिंग कहेंगे। जिस रिंग में, जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में क्या देखा, प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा कि इस रिंग के अंदर ऐसे नॉन जीरो एलिमेंट मिलते हैं जिनका प्रोडक्ट करने के बाद जीरो मिलता हो, अर्थात टू और थ्री इसके जीरो के डिवाइजर हुए। लेकिन यहां पर ऐसे नॉन जीरो एलिमेंट नहीं मिलते जिनको प्रोडक्ट करने के बाद हमें जीरो प्राप्त हो, उनमें से एक हर हाल में जीरो होना चाहिए, तभी जीरो रिजल्ट मिलेगा। तो इससे ये प्रूफ होता है कि हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि रिंग विद जीरो डिवाइजर वो जो जीरो एलिमेंट ऐसे रखता हो जिनको प्रोडक्ट करने के बाद जीरो मिलता हो, और रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर कौन होगा, जिसके अंदर जीरो के साथ मल्टीपल करने के बाद ही जीरो प्राप्त होता हो। तो अब हम इनकी डेफिनेशन समझते हैं, राइट। पहले रिंग विद जीरो डिवाइजर्स, द रिंग आर इज सेड टू बी अ रिंग विद जीरो डिवाइजर इफ देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो एलिमेंट्स ए एंड बी सच दैट ए बी इक्वल टू जीरो। ये कैसे होने, नॉन जीरो अर्थात जीरो नहीं होने, दैट मीन्स ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो इंप्लाइज ए बी इक्वल टू जीरो। अब हम लेते हैं रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स देखिए, द रिंग आर इज सेड टू बी अ रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स इफ द प्रोडक्ट ऑफ नो टू नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ आर इज जीरो, दैट मीन्स ए बी इक्वल टू जीरो इंप्लाइज ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो। मतलब दो एलिमेंटों का प्रोडक्ट तभी जीरो होगा जब उनमें से एक जीरो होना चाहिए। तो ऐसे रिंग को हम विदाउट जीरो डिवाइजर रिंग कहेंगे। ओके, मैं समझता हूँ कि आपको ये लेक्चर वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर नई लेक्चर वीडियो का पता आपको सबसे पहले लग सके और आप उसका पूरा पूरा लाभ ले सके। मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।